तो साथियों सबसे पहले हम कच्चा स्टैंड बनाएंगे। कच्चा स्टैंड बनाने के लिए अपने यहाँ घोड़ियाँ खड़ी करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे कोटा स्टोन। उसके लिए पहले यहाँ जरी लगा दीजिए। पूरी जरी लगाने के बाद में कोटा स्टोन लगाएंगे कच्चे स्टैंड में, और नीचे मार्बल की घोड़ी खड़ी करेंगे। उसके लिए अपने मार्बल की घोड़ियाँ कटिंग करके डबल चिपका रखी है पहले से। मैं चलो आपको दिखा देता हूँ घोड़ी की क्या साइज है और कैसे चिपकानी है। तो साथियों ये रही है मार्बल की घोड़ी, ये डबल पत्थर चिपकाई हुई है और इसकी साइज देखें तो 23x28 इंच की है। अपन को कच्चे स्टैंड के लिए कोटा स्टोन कटिंग करना है 20 इंच का। ये 24 का है और हमको 20 इंच का कटिंग करना है। ये देखिए मैंने 20 इंच का कटिंग करके रखा है कच्चा स्टैंड बनाने के लिए। 2 फीट या 2.5 फीट के हिसाब से, गेप के हिसाब से हमने घोड़ी की झरी लगा कर यहाँ फिक्स कर देंगे घोड़ियों को, और उसके ऊपर लगेंगे कोटा स्टोन। देखिए साथियों हमने यहाँ मार्बल की घोड़ी लगा ली है सभी, और इसके ऊपर भी कोटा स्टोन लगाएंगे। घोड़ी हमने खड़ी कर दी है देखिए इस प्रकार, और इसके ऊपर भी कोटा स्टोन लगाएंगे। यहाँ एंड में हमने सिंगल घोड़ी लगाई है क्योंकि इसके पास में ग्रेनेड का घोड़ा लगेगा। तो साथियों हमने यहाँ कोटा स्टोन लगा लिया है, आपको साइज बताई थी कोटा स्टोन की, 20 इंच चौड़ाई में कटिंग कर रखा था मैंने, और अभी मैंने लगाया आपको वीडियो नहीं बताया। और 20 इंच का कोटा स्टोन लगाया, उसके आगे 5 इंच का ग्रेनाइट लगाया उल्टा। तो मेरी ये फाइनली जो चौड़ाई की साइज स्टैंड की वो 25 इंच रहेगी। तो यहाँ देखिए ये हमारा 20 इंच का कोटा स्टोन और 5 इंच का ग्रेनाइट, ये 25 इंच का कच्चा स्टैंड बनकर एकदम रेडी है, तैयार है। और अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्रेनाइट जो अभी कटिंग करेंगे। साथियों हमारा ये 25 इंच का स्टैंड है 25 इंच का, तो हम यहाँ ऊपर ग्रेनाइट कटिंग करेंगे 23 इंच का। 2 इंच की पट्टी लगाएंगे वो बाद में लगाएंगे, और अभी 25 इंच की स्टैंड पर हम 23 इंच का ग्रेनाइट कटिंग करके लगाएंगे। साथियों हमने ग्रेनाइट कटिंग कर दिया है, तो अब स्टैंड पर हम सीमेंट और बजरी का मसाला देंगे 1.25 इंच, और मसाला देकर इसके ऊपर ग्रेनाइट पका कर देंगे। तो आपको ये मसाला परफेक्ट लेवल और फंटी से और नाप से बराबर बिछाना है, और कम ज़्यादा कहीं नहीं हो जाए तो फिर कहीं स्टैंड दिखने में एक साइड चौड़ा एक साइड छोटा कम ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। मसाला आपको एकदम परफेक्ट बिछाना है फंटी और लेवल से। तो हमने यह मसाला डालकर ग्रेनाइट ऊपर रख दिया। ग्रेनाइट अभी यह रखा है ग्रेनाइट चेक करने के लिए, और पक्का करना अभी बाकी है। तो इस प्रकार सीमेंट का घोल डालकर सभी पत्थर पक्के कर देंगे, सभी पत्थरों को इस प्रकार घोल डालकर पक्का कर देंगे। ध्यान रखें यहाँ से 2 इंच अंदर रखना पत्थर, नीचे वाले पत्थर से 2 इंच पत्थर ऊपर वाला अंदर रखना है, 2 इंच की पट्टी लगेगी। तो साथियों ये अभी हमारा पत्थर एकदम पक्का हो गया रेडी, और अब हम लगेंगे आगे पट्टी। तो 2 इंच की पट्टी लगेगी, उसको थोड़ा ऊपर रखेंगे मॉडलिंग करेंगे, उसके बीच में एक खड़ी पट्टी लगेगी, वो अब पहले चिपकाएंगे पट्टी। वो खड़ी पट्टी आप चाहें तो रंगीन भी लगा सकते हैं साथियों। इस प्रकार पट्टी चिपकानी आपको ये,
ये पट्टी है 4 सेंटीमीटर की और ऊपर गैप था 5 सेंटीमीटर का, हमने 1 सेंटीमीटर गैप रखा है ऊपर की पट्टी के लिए और ऊपर रहेगी थोड़ी ठोकर रहेगी। तो चलो अब इस पट्टी को अपन चिपकाते हैं एयरलाइट से। इस प्रकार सभी पट्टी को चिपका दीजिए स्टैंड की, पूरी पट्टी इस प्रकार चिपका लीजिए। तो साथियों हमने यहाँ पट्टी लगा ली है पूरी, चिपका दी है ये पट्टी और इसके ऊपर भी लगेगी 2 इंच की पट्टी, वो आगे की तरफ दोनों साइड मॉडलिंग करेंगे और पीछे की तरफ एक एक धार को मॉडलिंग करेंगे, इसके ऊपर चिपकाएंगे उसको भी कटिंग और मॉडलिंग करेंगे और सामने लगेंगे इस कटिंग 3 इंची की, वो भी कटिंग करके मॉडलिंग करेंगे एक धार को। और ये देखिए इसके ऊपर 2 इंच की पट्टी लगेगी, उसके अंदर मसाला भरना है और यहाँ एंड में लगेंगे घोड़ा लगेगा तो उस घोड़े को भी कटिंग करके मॉडलिंग करके डिजाइनिंग बनाकर यहाँ चिपकाएंगे, उसके लिए यहाँ घोड़ी आपको सिंगल लगानी पहले से। तो अब हम अब एंड में यहाँ डिजाइनिंग घोड़ा लगेंगे तो उसके लिए जीरी लगा दिए और तोड़ कर यहाँ अभी पीस प्लस में फंसा देंगे और यहाँ मार्बल के पास में एयरलाइट से चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ हमने एयरलाइट लगा दिया फुल और अभी इसके पास में चिपकाएंगे, पीछे जीरी लगाई हुई एकदम शानदार अंदर फंस जाएगा। तो साथ ही हमारा ये घोड़ा अभी लग रही एकदम रेडी है, तैयार है और अभी इसका कटिंग और ये पट्टी 2 इंच की लगाने बाकी है, वो अब लगाएंगे। तो साथियों हमने यहाँ इसका कटिंग लगा दी है अभी मॉडलिंग करके और 2 इंच की पट्टी भी लगा दी यहाँ से, अब हमारा स्टैंड एकदम क्लियर कंप्लीट तैयार है और ऊपर वाले टाइल्स लगाने बाकी है अभी तक और ये स्टैंड ग्रेनाइट में कम्प्लीट है। यहाँ घोड़ा और इसका कटिंग और 2 इंच की पट्टी वो भी लगा दी, सिंपली लगानी ही थी, आगे की तरफ मॉडलिंग करनी थी दो तरफ और पीछे वाली साइड एक धार मॉडलिंग करके लगा दी और हमारा स्टैंड कंप्लीट है रेडी और अब ऊपर टाइल लगाने बाकी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।